हेलो गाइस, वेलकम टू जेमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टोनी स्टार के बारे में, बात करेंगे एक ऐसी टाइमलाइन के बारे में, चूंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से लेकर एवेंजर एंड गेम तक टोनी को आखिर कितना टाइम लग गया अर्थ पर आने पर, और वो कितने दिन उन्होंने बिताए स्पेस में, आखिर क्या प्रॉब्लम थी और ऐसी क्या बात थी जो कि टोनी स्टार फंस गया था। तो सबसे पहले प्रॉब्लम, आप सभी को पता है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के लड़ते दौरान टोनी स्टार टाइटन पर फंस गया था, पर टोनी स्टार काफ़ी क्रिएटिव है, आप सब जानते हो, तो वो कहीं ना कहीं से निकल ही आएगा। तो उसे स्पेस में आखिर कितना टाइम लग गया, क्योंकि वो टाइटन प्लैनेट से तो निकल गया, पर इन्फिनिटी वॉर से एवेंजर एंड गेम तक उसकी टाइमलाइन क्या रही, उसे कितने दिन लग गए। तो इसी के साथ फाइनली पता चला है, रिवील्ड हुआ है कि टोनी स्टार को 22 डेज लग गए स्पेस में घूमते घूमते, तब जाके वो घर पहुंच पाया और उसे बचाया रॉकेट ने। अब रॉकेट के बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, पर फिर भी जो रूमर आ रहे हैं कि उसे रॉकेट ने बचाया और 22 डेज तक टोनी स्टार रहा। तभी तो टोनी स्टार ने बोला था कि अब तो खाना ना पानी, अब तो ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है। तो शायद उसी के बाद रॉकेट की एंट्री होती है और उसे वो बचा लेता है। तो देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये ऐसा कंफर्म होता है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।